नमस्ते बच्चों, क्या हाल चाल है। मैं उम्मीद करती हूँ सब बच्चे मस्त होंगे, खुश होंगे और अच्छे से प्रिपरेशन कर रहे होंगे बोर्ड एग्जाम की। तो चलो, अब गाला सॉल्यूशन हमने वैसे स्टार्ट कर लिया है, तो अब हम स्टार्ट कर रहे हैं सेक्शन सी पेपर टू का। तो देख लेते हैं क्या है। पेपर वन जो है गाला पेपर में, वो सैंपल पेपर ही है जो गुजरात ने हमें प्रोवाइड किया था, गुजरात बोर्ड ने प्रोवाइड किया था, तो वो मैंने ऑलरेडी अपलोड कर लिया है। ठीक है, वैसे आंसर्स आपको उसमें दिए हुए हैं, बट अगर आपको एक्सप्लेनेशन चाहिए कि समझना हो कोई क्वेश्चन को, तो वो ऑलरेडी सैंपल पेपर के नाम से अपलोडेड है। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 38 क्या कह रहा है। 38 से 46 क्वेश्चन से कोई भी 6 अटेम्प्ट करने हैं। 18 मार्क का रहता है सेक्शन सी, 3 मार्क का एक क्वेश्चन रहता है। सो लेट्स सी क्या कह रहा है आपसे क्वेश्चन। व्हाट आर द डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस, गिव एग्जांपल एंड एक्सप्लेन इट्स टू टाइप्स। ठीक है, तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होता है, एक उसका एग्जाम्पल देख के समझा और उसके टाइप्स समझा दो। ठीक है, बहुत आसान है। देखो, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन इज अ केमिकल रिएक्शन इन विच वन मोर रिएक्टिव एलिमेंट डिस्प्लेसेस द लेस रिएक्टिव एलिमेंट फ्रॉम इट्स कंपाउंड। ठीक है, तो उसके कंपाउंड में से एक मोर रिएक्टिव एलिमेंट लिख दो या हाईली रिएक्टिव एलिमेंट, जो भी लिखना हो। ठीक है, हाईली रिएक्टिव एलिमेंट जो है वो डिस्प्लेस करता है लेस रिएक्टिव एलिमेंट को उसकी जगह से, उसको हम कहते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ठीक है, जैसे कि आप समझो कि आपके क्लास में जो है वो एक मोटा सा लड़का है, ठीक है, गुंडे टाइप, और दूसरा एक लड़का है वो बेचारा चुपचाप सा सीधा साधा पतला सा लड़का है। ठीक है, अगर वो एक मोटे लड़के को वो वाली जगह चाहिए जहाँ पे पतला लड़का बैठा है, ठीक है, तो उसको क्या करेगा, सीधा यूँ उसको उठाएगा, ठीक है, कॉलर से पकड़ के बोलेगा तो यहाँ पे बैठ। ठीक है, और खुद उस जगह पे बैठ जाएगा। मतलब क्या किया उसने, उस छोटे से लड़के को, बेचारा मासूम सा जो था, उसको उसकी जगह से हटा दिया। तो उसको हम कहते हैं डिस्प्लेस करना। ठीक है, तो ये कौन कर पा रहा है, हाईली रिएक्टिव एलिमेंट। क्या वो जो छोटू सा लड़का है प्यारा सा, वो उस मोटे से और ऐसे डॉन टाइप के लड़के को उसकी जगह से हिला पाएगा, पॉसिबल ही नहीं है। ठीक है, तो इस टाइप के रिएक्शन को हम कहते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। एग्जांपल के तौर पे आपको यहाँ पे दिया हुआ है कि समझो कि Fe जो है वो हम लोग ऐड कर रहे हैं CuSO4 के सॉल्यूशन में। अब Fe जो है आयरन, ये बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होता है कंपेरिजन टू द कॉपर, जिसकी वजह से Fe जो है वो कॉपर को उसकी जगह से हटा देगा और खुद उसकी जगह पे आके बैठ जाएगा। ठीक है, तो आयरन इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर, इन दिस सिचुएशन कॉपर इज रिप्लेस्ड या डिस्प्लेस्ड। ओके, तो ये क्लियर हो गया। ओके, ये वाला जो एग्जांपल है, उन एग्जांपल में ये जो मैं स्टेटमेंट, वो स्टेटमेंट दिया हुआ है, इसको आपको लिखना हो तो लिखिए, वरना आप डायरेक्टली नीचे इक्वेशन दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ओके, अब डिस्प्लेसमेंट के कितने टाइप्स होते हैं बेटा। डिस्प्लेसमेंट के दो टाइप्स होते हैं, एक होता है सिंगल डिस्प्लेसमेंट और एक होता है डबल डिस्प्लेसमेंट। अभी जो अपन ने देखा दैट इज द सिंगल डिस्प्लेसमेंट एग्जांपल। ठीक है, नॉर्मल डिस्प्लेसमेंट में आप यही एग्जांपल दे सकते हो, सिंगल डिस्प्लेसमेंट में भी आप यही एग्जांपल दे सकते हो। तो सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या कह रहा है, इन अ सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन ओनली वन एलिमेंट गेट डिस्प्लेस द अदर एलिमेंट इन अ कंपाउंड। ठीक है, तो एक एलिमेंट जो है वो कंपाउंड में से दूसरे एलिमेंट को ही, मतलब एक ही दूसरे एलिमेंट को डिस्प्लेस कर सकता है। ठीक है, तो जैसे एक सिंप्लीफाई की तरह है कि ए बी एक कंपाउंड है और सी एक एलिमेंट है, तो सी ने बी को हटा दिया और ए सी बन गया और बी आ गया। ठीक है, ये भी एक तरीका है देखने का। तो यहाँ पे अगर हम रिएक्शन देखें तो क्या हो जा रहा है, Zn plus FeSO4, Zn is highly reactive, तो Zn Fe को हटा देगा तो खुद आ गया ZnSO4 में। ठीक है, आगे समझ में। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के अंदर बच्चा, यहाँ पर हमारे पास एलिमेंट नहीं होता है, दो कंपाउंड्स होते हैं। मार्क माई वर्ड्स, मैं क्या कह रही हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। देखो, जैसे यहाँ पे एक एलिमेंट था ना और एक कंपाउंड था, है ना, यहाँ पे दोनों के दोनों कंपाउंड है। ठीक है, एलिमेंट कुछ नहीं है, तो इसमें क्या होता है बेटा, आयंस का एक्सचेंज होता है। मतलब देखो, Cu मेटल है, मेटल है तो वो पॉजिटिव चार्ज कैरी करेगा, क्लोरीन नेगेटिव चार्ज कैरी करेगा, Ag सिल्वर पॉजिटिव चार्ज कैरी करेगा और NO3 नेगेटिव चार्ज कैरी करेगा। ठीक है, तो क्या होगा बच्चा पार्टी, इसके अंदर इसमें जो हमारा Cu है पॉजिटिव वाला, ठीक है, ये वाला इस नेगेटिव के साथ जुड़ जाएगा तो बन गया CuNO3 ट्वाइस, और ये जो Ag है वो Cl के साथ आ जाएगा तो क्या बन गया, AgCl। बाकी बैलेंसिंग आप कर सकते हो, आया समझ में। ठीक है, तो इस तरीके से आपके पास कंपाउंड्स होते हैं, उन कंपाउंड्स में एक पॉजिटिव एक नेगेटिव होता है, तो पहले कंपाउंड का पॉजिटिव दूसरे कंपाउंड का नेगेटिव के साथ कंबाइन हो जाता है, तो दैट इज अ सिंपल। ठीक है, देखो रिएक्शन मैंने आपको दी, इसके अलावा आपको कोई भी और रिएक्शन याद हो आप इजीली लर्न कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, देयर आर एम्पल्स ऑफ रिएक्शंस। नाउ 39, डिफरेंस बिटवीन कैल्सिनेशन एंड रोस्टिंग। ठीक है, कैल्सिनेशन रोस्टिंग में क्या डिफरेंस है। देखो,
कैल्सिनेशन के अंदर जो हम लोग ओर को हीट करते हैं, ठीक है, वो हम करते हैं इन द एब्सेंस ऑफ एयर, ठीक है, एयर नहीं चाहिए होती या तो बहुत कम एयर चाहिए होती है, ठीक है, लिमिटेड अमाउंट में, ज़्यादा नहीं, तो दैट इज नोन एज अ कैल्सिनेशन। रोस्टिंग के अंदर, ठीक है, हम लोगों को एक्सेस ऑफ एयर चाहिए होती है, ज़्यादा एयर चाहिए होती है, ठीक है ना, एयर मतलब कि कंबशन प्रोसेस के लिए ऑक्सीजन, ठीक है। कैल्सिनेशन किस टाइप के ओर्स पे काम करता है, तो वो कार्बोनेट बेस्ड ओर्स के ऊपर, ठीक है, जिसके अंदर कार्बोनेट होता है उसमें, और रोस्टिंग किस में काम करेगा, सल्फाइड ओर्स के अंदर, ठीक है। ड्यूरिंग कैल्सिनेशन CO2 गैस लिबरेट होता है और रोस्टिंग के अंदर SO2 गैस लिबरेट होता है। देखो यहाँ पर जैसे ZnCO3, तो हम लोगों ने इसको हीट किया तो क्या हो गया, ZnO और SCO2 गैस, ठीक है, CO3 में से क्या निकल गया, CO2 निकल गया, ZnS सल्फाइड ओर है, ओके। देखो अब यहाँ पे हम लोग 3O2 लिटरली बता रहे हैं, मतलब कि हम लोग ज़्यादा अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन ले रहे हैं, तो हम बता रहे हैं कि हमने तीन मॉलिक्यूल ऑक्सीजन का लिया है, इसमें ऑक्सीजन लाइक एब्सेंस में है, ज़्यादा कुछ है नहीं, तो इसके लिए आप देख सकते हैं कि हमने कुछ भी ऑक्सीजन का सिंबल लगाया नहीं है, तो क्या बन जाएगा, ZnO एंड SO2, SO2 नीचे आएगा, ठीक है, ये ऊपर नहीं आएगा, नीचे आएगा, ठीक है, डन। तो इजीली आपको यहाँ पर चार पॉइंट्स आ गए, इससे ज़्यादा पॉइंट्स बनते हैं, बनेंगे भी नहीं, ओके। नेक्स्ट, डिस्टिंग्विश बिटवीन मेटेलिक एलिमेंट्स एंड नॉन मेटेलिक एलिमेंट्स ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल प्रॉपर्टीज, वन ऑफ द मोस्ट ईजिएस्ट आंसर, ठीक है, क्योंकि हम लोग इस चीज़ को एट्थ से पढ़ते हुए आए, शायद उससे भी पहले, पर एट्थ का तो मुझे आइडिया है ही, ठीक है, तो एट्थ से करते आ रहे हैं, एट नाइन्थ, अभी आप टेंथ में आ गए हैं, तो बहुत ईजी है। सबसे पहला पॉइंट कि मेटल्स हार्ड होते हैं एक्सेप्ट सोडियम एंड पोटेशियम, ठीक है, पोटेशियम भी लिख सकते हो आप इसके अंदर। नॉन मेटल्स आर सॉफ्ट एक्सेप्ट डायमंड। मेटल्स जो है वो जनरली आपको यहाँ पर मेलिएबल और डक्टाइल प्रॉपर्टी देते हैं, मतलब कि हैमर में, हैमर लगा लगा के हम उसको शीट में कन्वर्ट कर सकते हैं, एज वेल एज हम उसके उसको वायर में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, जबकि नॉन मेटल्स में इसकी प्रॉपर्टी नहीं होती, दे आर ब्रिटल इन नेचर, ठीक है, आप उसको हथौड़ा मारोगे ना तो छोटे 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 पार्टिकल्स में कन्वर्ट हो जाएगा। जैसे आप लोगों ने देखा होगा कभी किसी कार का जब एक्सीडेंट होता है, ठीक है, तो उसमें जो आगे का जो विंडशील्ड होता है ना विंड, ठीक है, तो वो जो रहता है कांच, तो आपने देखा होगा जब एक्सीडेंट होता है तो कांच जो होता है वो बिल्कुल बारीकी बारीकी पार्टिकल्स में डिवाइड हो जाते हैं, ठीक है, बहुत छोटे छोटे में, तो उसको ब्रिटल नेचर कहते हैं। तो ये ऐसे हथौड़ी की तरह पीटोगे तो वो या तो यूं कैसे आप ऐसे फेंकोगे पत्थर तो वैसे दरारें आ जाएगी, ठीक है, ऐसा होता है, तो उसको हम ब्रिटल नेचर कहते हैं। ये शाइनी और लस्ट्रस होते हैं, ये शाइनी लस्ट्रस नहीं होते हैं, एक्सेप्ट आयोडीन, ठीक है, एक्सेप्शन थोड़े याद कर लेना। ये इलेक्ट्रोपॉजिटिव होते हैं क्योंकि मेटल्स है, और ये पॉजिटिव क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट करते हैं। ये इलेक्ट्रोनेगेटिव होते हैं बिकॉज वो इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट करते हैं। मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट इलेक्ट्रिसिटी, इसके लिए हमारी वायर इलेक्ट्रिक जो भी वायर्स होती है उसके अंदर आपको कॉपर एल्यूमिनियम जिंक इनकी वायर दिख जाती है। नॉन मेटल्स जो है वो बैड कंडक्टर होते हैं, अगेन एक्सेप्ट ग्रेफाइट। मेटल्स को हम जनरली मशीन्स में यूज़ करते हैं, कॉपर सिल्वर गोल्ड, ठीक है, ऐसे मिल जाते हैं, और इसको हम लोग मेडिसिनल और केमिकल यूजेस में यूज़ करते हैं, कार्बन ऑक्सीजन सल्फर, ठीक है, ये कुछ नॉन मेटल्स है जिसको हम लोग मेडिकल पर्पस और केमिकल यूजेस के हिसाब से यूज़ कर सकते हैं, ठीक है, ईजी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, कंपेयर एंड कॉन्ट्रास्ट नर्वस एंड हॉर्मोनल मैकेनिज्म फॉर कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन इन एनिमल्स, ठीक है, तो अभी नर्वस सिस्टम और हॉर्मोनल सिस्टम में क्या डिफरेंस है। देखो नर्वस सिस्टम मतलब कि दिमाग की बात है, ठीक है, दिमाग में क्या चीज़ें कन्वर्ट, क्या चीज़ें इंक्लूड होंगी, CNS और PNS, ओके, दैट मीन्स कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम ब्रेन हमारा, एंड पेरीफेरल नर्वस सिस्टम जो स्पाइनल कॉर्ड के साथ कनेक्ट होता है ना, ठीक है, पेरीफेरल नर्वस सिस्टम। हॉर्मोनल में क्या होता है, इसके अंदर एंडोक्राइन ग्लैंड होते हैं जो हॉर्मोन्स मतलब कि केमिकल्स को डायरेक्टली ब्लड में रिलीज करते हैं, और जिस भी सेल को जो भी टारगेट एरिया है वो सीधा वहीं पे जाके उसका इम्पैक्ट दिखाता है, ठीक है। नर्वस इम्पल्स जो होते हैं दे आर नॉट स्पेसिफिक इन एक्शंस, ठीक है, ये स्पेसिफिकली एक्शंस भाई ये अगर इलेक्ट्रिक मैसेज उनके पास आया है तो ये उस तरीके से काम करेगा, ऐसा नहीं होता है, जबकि हॉर्मोनल में स्पेसिफिक एक्शन, ठीक है, जैसे कि मुझे डर लग रहा है, ओके, तो मेरे अंदर एड्रिनल ग्लैंड जो होगा वो एड्रिनलाइन हार्मोन सिक्रीट करेगा और उस हिसाब से मैं अपना काम करूंगी, ठीक है, डरूंगी या भागूंगी या लड़ूंगी, ठीक है, जो भी हुआ तो इस तरीके से होगा, ठीक है। तो बेसिकली वो स्पेसिफिकली आपका जो इमोशंस होते हैं ना, तो एंडोक्राइन ग्लैंड आपके इमोशंस पे ज़्यादा काम करते हैं, ठीक है, तो इसके लिए दे आर स्पेसिफिक इन एक्शन।
न्यूरल रिस्पॉन्सेज क्विक होते हैं, ठीक है, फटाफट से होते हैं, शॉर्ट लिव्ड होते हैं। जैसे गरम गरम ग्लास पानी का या दूध अपने हाथ लगा दिया तो फटाफट से उसको आप हटा दोगे, ठीक है। तो दैट इज अ शॉर्ट एंड बट क्विक एक्शंस, जबकि हार्मोनल इफेक्ट्स जो होते हैं वो स्लो होते हैं बट कैसे होते हैं, लॉन्ग टर्म होते हैं, ठीक है। द फ्लो ऑफ इन्फॉर्मेशन इज रैपिड, बहुत फास्ट होती है, जबकि इसके अंदर इन्फॉर्मेशन जो है वो स्लो होती है। जैसे आप सामने ऐसे शेर आते हुए देखो, ठीक है, तो इट टेक्स 5 मिनट्स ना, ठीक है, अरे यार डर लग रहा है क्या करूँ, फिर वो मैसेज आएगा, ठीक है, हमारे ग्लैंड के पास, वो हार्मोन सिक्रीट करेगा, वो ब्लड में हार्मोन आए आपके टांगों के अंदर एनर्जी दे तो आप भागोगे ना, ठीक है। तो इसके लिए थोड़ा सा लंबा होता है, बट ये लॉन्ग टर्म होता है। एक बार आपने भागना शुरू किया तो धीरे 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 स्पीड आपकी बढ़ती जाएगी। एक एग्जाम्पल दे दूँ समझाने के लिए, ठीक है, फिर कमेंट में ये मैं मैम ऐसे तो हम लोग शेर से बच जाएंगे बट हम तो मर जाते, तो एक मैंने एग्जाम्पल दिया। चलिए नेक्स्ट, वॉट इज वेजिटेटिव प्रोपोगेशन, स्टेट इट्स एडवांटेजेस, ठीक है। तो वेजिटेटिव प्रोपोगेशन क्या होता है, उसके एडवांटेजेस बताओ, ठीक है। वेजिटेटिव प्रोपोगेशन जो है वो प्रोसेस रहेगा जिसके अंदर कोई भी वेजिटेटिव पार्ट ऑफ अ प्लांट, ठीक है, जैसे रूट ले लो आप, स्टेम ले लो और लीफ ले लो, उसमें से एक नया प्लांट ग्रो होगा, उसको अपन कहते हैं वेजिटेटिव प्रोपोगेशन, ठीक है। मतलब कि एक वेजिटेबल में से दूसरा वेजिटेबल उसी के बॉडी पार्ट से ग्रो हो रहा है, जैसे पोटेटो में से पोटेटो ग्रो होता है, ठीक है। आप अगर एक पोटेटो जिसके वो आईज और ये निकल चुके हो ना, उसको आप मिट्टी में डाल दो तो आप उसमें से 10 पोटेटो और निकाल दोगे ना, उगा दोगे, ठीक है। जिंजर होता है उसमें से आ गया, तो इसको अपन क्या होता है, वेजिटेबल के एक पार्ट से वही वेजिटेबल को हम ग्रो करते हैं विदाउट एनी सीड्स, इसमें कोई सीड्स की जरूरत नहीं होती, ठीक है। तो उसको हम कहते हैं वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। एडवांटेज क्या है, सीधी सी बात है, द लार्ज नंबर ऑफ प्लांट्स ऑब्टेन इन अ शॉर्ट इंटरवल, ठीक है, बहुत कम समय में हमें बहुत ज़्यादा प्लांट्स मिल सकते हैं, बहुत ज़्यादा हम लोगों को इस तरीके से क्रॉप्स जो भी हम कहें, ठीक, खाने की चीज़ें मिल सकती है। उसके अलावा ये ज़्यादातर उन चीज़ों के लिए पॉसिबल, इसमें सीड्स नहीं, जैसे कि अपन पोटेटो उसमें सीड्स नहीं है ना, तो पोटेटो कैसे उगाओगे, ठीक है। जिंजर उसमें सीड्स नहीं होते हैं, कैरेट अभी ठंडी का टाइम में देखा होगा उसमें सीड्स नहीं, रेडिश में सीड्स नहीं होते हैं। तो जो सीडलेस प्लांट होता है ना, उसके अंदर प्रोपोगेशन करना बहुत ज़्यादा आसान हो जाता है विद दिस हेल्प, विद दिस फिनोमिना, ठीक है, डन। ओके चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, देखो मैं आपको कोई टाइम नहीं वेस्ट करूँ, फटाफट समझाती जा रही हूँ और आप लर्न करते जाओ, ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्या कह रहा है, व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ डीएनए कॉपिंग इन रिप्रोडक्शन, ठीक है। तो डीएनए का इम्पोर्टेंस रिप्रोडक्शन में क्या है, एंड व्हाई इज डीएनए कॉपिंग इन असेंशियल पार्ट ऑफ रिप्रोडक्शन, और डीएनए कॉपिंग को एक इम्पोर्टेंट पार्ट क्यों कहा जा रहा है। देख तो पूछ रहा है इम्पोर्टेंस क्या है, नेसेसरी क्या है उसका, एंड उसका असेंशियलिटी पार्ट भी बताओ। देखो डीएनए कॉपिंग, ओके, डीएनए कॉपिंग इज इम्पॉर्टेंट बिकॉज इट जनरेट्स वेरिएशन ड्यूरिंग द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन विच लीड्स टू इवोल्यूशन, ठीक है। डीएनए का कॉपी होना बहुत जरूरी, क्योंकि डीएनए जब कॉपी होता है ना, तो जब पेरेंट्स से बच्चे में जब डीएनए जाता है तो देर आर मैनी अदर फैक्टर्स विच अफेक्ट, ओके, टेम्परेचर, क्लाइमेट, जियोग्राफिकल फैक्टर्स, ओके, तो ये बहुत सारे फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं जिसकी वजह से थोड़ा बहुत बदलाव आ जाता है डीएनए के अंदर। और बच्चा जब हम देखते हैं तो वो बिल्कुल अपने माता पिता से बिल्कुल सिमिलर नहीं होता ना, बिल्कुल एक डिटो नहीं होता है। कुछ बच्चे में अपने भी कैरेक्टरिस्टिक्स जो हैं वो आ जाते हैं जो उसके माता पिता से अलग होते हैं, ठीक है। तो वो कैरेक्टर्स क्यों आ रहा है, बिकॉज ऑफ द वेरिएशन, और वो ज़रूरी है, दिस वेरिएशन लीड्स टू द इवोल्यूशन, ठीक है, ये बदलाव लाएगा, ये बदलाव लाएगा। तो अभी आगे की जो जनरेशन होगी उसमें क्लाइमेट एनवायरमेंट में क्या बदलाव आ रहा है उस हिसाब से वो खुद को सर्वाइव कर पाएगा, ठीक है। तो डीएनए कॉपिंग हेल्प्स इन ट्रांसफर इन्फॉर्मेशन ऑफ कैरेक्टर्स फ्रॉम पेरेंट टू द ऑफस्प्रिंग, इसके लिए इट इज़ द ब्लूप्रिंट ऑफ द नेसेसरी इन्फॉर्मेशन। तो डीएनए इज समथिंग अ ब्लूप्रिंट, ठीक है। ब्लूप्रिंट का मतलब क्या होता है, जैसे आज एक गाड़ी बनती है तो गाड़ी का पूरा एक ब्लूप्रिंट बनता है, ठीक है, ऐसा शेप होगा, ये होगा। जैसे आजकल घरों के अंदर भी आ गया, ठीक है, कोई भी आप इंटीरियर करवाने जाओ तो पहले आपको कंप्यूटर पर उसका ब्लूप्रिंट दिखाते हैं कि देखो भाई ये चीज़ रहेगा। अरे सब छोड़ दो, मैंने आपको ब्लूप्रिंट दिया है मैथ साइंस इंग्लिश का, देखा, ठीक है, देख लेना। तो उसके अंदर भी क्या है, मैंने आपको बताया कि ये चैप्टर इस मार्क का रहेगा, इस चैप्टर में से किस किस सेक्शन में क्वेश्चन आएंगे, मैंने आपको ब्लूप्रिंट दिया हुआ है, ठीक है। तो दैट मीन आपको क्लियर है कि भाई चैप्टर 2 कर रहे हैं तो इस चैप्टर में से मुझे सेक्शन डी में क्वेश्चन मिलेगा, सेक्शन बी में क्वेश्चन मिलेगा, ठीक है, लाइक दैट। तो आपको वो चीज़ आ गया, दैट इज़ अ ब्लूप्रिंट, ओके। तो इसके लिए ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि वो इन्फॉर्मेशन बच्चे में जब जाएगी तो हमें 80% आइडिया आ जाता है कि भाई क्या वो बच्चे के कैरेक्टरिस्टिक्स होंगे। फॉर अ पेरेंट टू प्रोड्यूस ऑफस्प्रिंग ऑफ इट्स ओन टाइप इज असेंशियल, ठीक है, कि ऑफस्प्रिंग जो है वो डीएनए कैरी करे उनके पेरेंट्स का।
डीएनए कॉपी एक ही मात्र तरीका है जहां से सेल जो है वो सेम डीएनए को कॉपी कर लेता है एंड ट्रांसफर इनटू द ऑफस्प्रिंग. सो दस डीएनए कॉपिंग इज एन असेंशियल मैकेनिज्म फॉर द रिप्रोडक्शन. ठीक है, तो आज ये बच्चा, ये माँ बाप का है वो डीएनए से पता चलता है, इसके लिए वो जरूरी है. ओके, क्योंकि वही कैरेक्टरिस्टिक्स जो है वो आपकी पहचान बनते हैं कि आप किस फैमिली, किस डोनर, किस जीन से आप आए हैं. ओके, चलिए, तो दोनों क्वेश्चन के आंसर आपको इसके अंदर कंप्राइज होके फॉर्म में दे दिए मैंने. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, अ स्टूडेंट महर्षि बर्न्स अ पेपर यूजिंग लेंस इन द सनलाइट. ठीक है, वो बर्न करते हुए मैंने बचपन में बहुत किया. ठीक है, यूं धूप के टाइम में वो मैग्नीफाइंग लेंस लेके बैठ जाते थे, नीचे पेपर रख देते थे और ऊपर की सन जब आता था ना उस दौरान, तो जो मैग्नीफाइंग लेंस है उसमें कौन सा लेंस यूज होता है. ठीक है, तो इन्होंने पूछा स्टेट द टाइप ऑफ लेंस यूज बाय द महर्षि. तो कॉन्वेक्स लेंस यूज होता है, क्योंकि कॉन्वेक्स लेंस क्या करता है, सन की सारी लाइट को यूं एकजुट मिला देता है. ठीक है, और पेपर में वो सारी की सारी लाइट एक साथ जाती है एक ही पॉइंट से यूं, तो जिसकी वजह से क्या होता है, इंटेंसिटी बढ़ जाती है और पेपर जलना शुरू करता है. स्टेट द पोजिशन ऑफ द इमेज फॉर्म्ड इन दिस फिनोमेना. ठीक है, तो अब इसमें इमेज कहाँ बनती है जिसके से पेपर बर्न होता है, तो इमेज बनती है फोकस पॉइंट पे. मैंने कैसे पता चला, देखो बेटा बहुत सिंपल सी बात है, आपने रे डायग्राम्स किए होंगे. ठीक है, नहीं तो अगेन मैंने उसका वीडियो बना के रखा है जिसमें मैंने सारे सारे रे डायग्राम बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किए हुए हैं. तो जब भी कोई लाइट इन्फिनिटी से आती है ना बेटा, इन्फिनिटी अब सन से आ रही है, मतलब सन इज इन्फिनिटी पॉइंट. ठीक है, तो जब लाइट इन्फिनिटी से आती है तो वो हमेशा लाइट बैंड होके मर्ज होती है फोकस पॉइंट पर. इसके लिए ये इन्फिनिटी से सनलाइट आ रही है, दैट्स वाई जो इमेज बनेगा वो भी कहाँ बनेगा, फोकस पे बनेगा. ठीक है, तो इमेज फॉर्म एट द प्रिंसिपल फोकस. ड्रॉ द रे डायग्राम, ये रहा आपके सामने रे डायग्राम. ठीक है, तो सारे के सारे सन रेज जो है वो इन्फिनिटी से आ रही है और वो प्रिंसिपल एक्सिस के हमेशा पैरेलल होती है. प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होती है तो आगे जाके मीट कर रही है और फोकस पे आ रही है, तो वहाँ पे पेपर है. ठीक है, डन, चलो शाबाश. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या कह रहा है ये क्वेश्चन, एन ऑब्जेक्ट ऑफ साइज 7 सेंटीमीटर इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 27 सेंटीमीटर इन द फ्रंट ऑफ अ कॉनकेव मिरर ऑफ फोकल लेंथ 18 सेंटीमीटर. ठीक है, एन ऑब्जेक्ट ऑफ साइज 7 सेंटीमीटर मतलब कि एच नॉट ले लूं, एच नॉट मतलब ऑब्जेक्ट साइज कितना दिया हुआ है 7 सेंटीमीटर, इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 27 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ अ कॉनकेव मिरर. ठीक है, तो कॉनकेव मिरर के फ्रंट में मतलब यू दिया हुआ है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस. अब यू हमेशा नेगेटिव होता है, अपने को पता है. ठीक है, तो -27 सेंटीमीटर. ओके, कॉनकेव मिरर है, फाइन. तो कॉनकेव मिरर के हिसाब से अगर हम साइन कन्वेंशन याद करें तो फोकल लेंथ 18 सेंटीमीटर का, तो ये भी क्या हो जाएगा, -18 सेंटीमीटर. एट वॉट डिस्टेंस फ्रॉम द मिरर शुड अ स्क्रीन बी प्लेस्ड सो शार्प ऑफ फोकस इमेज इज ऑब्टेन. ठीक है, मतलब आपको वी निकालना है, तो इसके अंदर साइज एंड नेचर ऑफ द इमेज निकालना है. ठीक है, तो पहले हम लोग मिरर फॉर्म लगा दें, 1/f = 1/u + 1/v. ठीक है, तो 1/f = -18 = 1/u, दैट इज -27 + 1/v. सो 1/-18, ये ओके, ये जो है ये अगर यहाँ पे आ जाएगा तो माइनस का क्या हो जाएगा बेटा, प्लस. ठीक है, माइनस का क्या हो जाएगा, प्लस. सो प्लस 1/27 = 1/v. कंटिन्यू यहाँ पे कर लेती हूँ मैं. सो 1/v = ओके, 27 और 18. ठीक है, एलसीएम कितना आएगा इसका, 54. एलसीएम कितना आएगा, 54. तो 18 में क्या मल्टीप्लाई करूँ 54 के लिए, 18 में 3 मल्टीप्लाई कर लूँ. हाँ, तो -1/18 के साथ मैंने क्या किया, 3 मल्टीप्लाई किया, और 27 के साथ क्या करना है, 2, है ना. या चलिए, तो 1/v = -3 + 2/54. 1/v = -1/54. तो v कितना हो गया, -54 सेंटीमीटर. ठीक है बच्चा पार्टी, क्लियर ना इतना, तो अपना वी आ गया. अब क्या पूछ रहा है, फाइंड द साइज एंड नेचर ऑफ द इमेज. ठीक है, साइज और नेचर, और साइज और नेचर के लिए हमें चाहिए होता है मैग्नीफिकेशन. ठीक है, तो आइए, अब मैग्नीफिकेशन का फॉर्मूला क्या होता है बेटा, मैग्नीफिकेशन का फॉर्मूला होता है एच
आई अपॉन एच जीरो, और दूसरा फॉर्मूला होता है मैग्नीफिकेशन का माइनस वी अपॉन यू फॉर द मिरर। अब मैग्नीफिकेशन दिया नहीं है तो इसको अपन इकट्ठे ले लेते हैं। एच आई मतलब कि इमेज हाइट, एच ओ मतलब कि ऑब्जेक्ट हाइट, माइनस वी आपको पता है इमेज डिस्टेंस और यू आपको पता है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। ठीक है, तो चलो सब वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर लें इसके अंदर। तो एच आई तो हमें पता नहीं, हुई तो हमें बताना है ना। एच नॉट कितना दिया हुआ है, 7 सेंटीमीटर था, और ये माइनस माइनस 54, और ये कितना हो गया माइनस 27। ठीक है, तो एच आई 7 इज इक्वल टू 54 अपॉन माइनस 27। यहीं पे कंटिन्यू कर लेती हूँ। एच आई इज इक्वल टू 54 इंटू 7 अपॉन माइनस 27। 27 वन ज़ा 27 टू ज़ा, तो एच आई कितना है बेटा माइनस 14 सेंटीमीटर। अब अगर एच आई मतलब कि इमेज हाइट नेगेटिव में आई है, इसका मतलब कि उल्टी बनी होगी, सीधी सी बात है। ठीक है, तो इसका मतलब कि नेचर क्या हो जाएगा, नेचर हो जाएगा रियल एंड इन्वर्टेड। ठीक है, अच्छा अब दूसरा आप देखो इसके अंदर ऑब्जेक्ट की हाइट क्या है बेटा 7 सेंटीमीटर। ठीक है, और इमेज की हाइट क्या है बेटा 14 सेंटीमीटर। ठीक है, तो नेचर तो हो गया, और साइज क्या आ जाएगा इसके अंदर, साइज इज इमेज इज डबल इन साइज, क्योंकि इसकी 7 है इसकी 14 है। ठीक है, डबल इन साइज देन ऑफ ऑब्जेक्ट। ठीक है बच्चा पार्टी, चलो आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्या कह रहे हैं हमसे ये, नीरल वाई हैज कनेक्टेड 300 वॉट बल्ब्स इन अ सीरीज इन अ सर्किट। ओके, व्हाइल विक्की वाई हैज कनेक्टेड 300 वॉट बल्ब इन द पैरेलल कनेक्शन टू द सेम सोर्स ऑफ पावर। ठीक है, तो एक नीरल भाई जी हैं, वो कनेक्ट कर रहे हैं 3 बल्ब, समझ लो ये 1 बल्ब हो गया, ये 2 हो गया और ये 3 हो गया, है ना। तो R1, R2 और R3 3 है, और तीनों कैसे 100 वॉट के हैं, मतलब कि यहाँ पे पावर जो है वो सबका सेम है, मतलब रजिस्टर भी सेम ही होगा। ठीक है, और वो सीरीज कनेक्शन में कनेक्टेड है। ठीक है, ये मैंने थोड़ा सा यूं करके एक कनेक्शन दे दिया, और विक्की भाई कनेक्टिंग यही 3 बल्ब ओके इन द पैरेलल कनेक्शन। ठीक है, तो ये अगेन R1, R2 और R3, और ये हो गया इनका 10 कनेक्शन, और यहां पे रहेगा इनका वोल्ट मीटर। ठीक है, तो चलो विल द बल्ब लाइट्स अप इक्वल इन बोथ द सर्किट्स, क्या दोनों सर्किट्स में बल्ब सेम लाइट जलेगा, नहीं पॉसिबल ही नहीं है। ठीक है, एक सीरीज और एक पैरेलल है, और सीरीज में इतना ज्यादा अच्छे से ग्लो नहीं करता है ना, पैरेलल में ज्यादा अच्छे से ग्लो करता है। तो हम लिखेंगे फर्स्ट का आंसर क्या हो जाएगा, नो। ओके, नो बल्ब्स इन पैरेलल कनेक्शंस यानी पैरेलल कनेक्शन ग्लो मोर ब्राइटली। ठीक है, वो ज्यादा अच्छे से ग्लो करेगा। देखो बेसिकली हमें करंट के साथ जाना, ठीक है, तो हमारा ओम्स लॉ क्या होता है, वी इज इक्वल्स टू आई आर, यही होता है। तो I इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, V अपॉन R। ठीक है, अगर मैं सीरीज कनेक्शन लूँ बेटा तो वोल्टेज तो सेम ही है, मतलब अलग अलग रहेगा, बट यहाँ पे जो रजिस्टर्स है वो 3 है और तीनों का सेम है, मतलब कि यहाँ पे 3 रजिस्टर्स डिवाइड हो रहे हैं वोल्टेज के साथ। ठीक है, और यहीं पर अगर मैं पैरेलल कनेक्शन में जाती हूँ बेटा तो आई पी V अपॉन R P। ठीक है, अब हमें पता है कि
पैरेलल कनेक्शन में रेजिस्टेंस जो है वो अपॉन में जाते, 1/R1, 1/R2, 1/R3, ठीक है, जबकि सीरीज में सेम आते R1 + R2 + R3। ठीक है, देखो अगर मैं यहाँ पे देखूँ तो सीरीज कनेक्शन में क्या हो जाएगा, 1/R1 + R2 + R3, मतलब कि R + R + R, तो कितना हो गया बेटा, 3R हो गया। तो मैं रेजिस्टेंस क्या लिख सकती हूँ, 3R, तो मैंने वही लिखा ना यहाँ पर, ये रहा 3R, है ना। अब पैरेलल में जाऊँ मैं, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, 1/R + 1/R + 1/R, ये पैरेलल कनेक्शन, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, 3/R, ये पैरेलल में, तो 1/RP है, तो अगर मुझे RP करना है, उल्टा करना है, तो R/3 हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा मेरा, R/3, अब ये 3 ऊपर चला जाएगा, तो 3V/R, ठीक है, आया समझ में। ओके, सो IP = 3V/R, और यहाँ पे देख लो, ठीक, यहाँ पे देख लो, IS = V/3R। ओके, तो यहाँ पे अगर हम लोग कंपेयर करें बेटा, तो मैं इसको जब यहाँ पे ले लूँ, तो 3IS = V/R होगा बेटा, है ना। ओके, थोड़ा यहाँ पे ध्यान देना। ओके, तो IP = क्या हो जाएगा हमारा, ओके, IP 3V/R। ओके, V/R को मैं 3IS लिख सकती हूँ ना मैं, ठीक है, तो क्या होगा, 3 और 3IS, मतलब कि IP जो है वो IS, मतलब कि पैरेलल कनेक्शन में जो करंट है वो 9 गुना ज़्यादा हो गया, ठीक है, 9 गुना ज़्यादा हो गया करंट इन द सीरीज। तो इसके लिए सीधी सी बात है कि जो बल्ब होगा वो ज़्यादा अच्छे से ग्लो करेगा। Now one of the bulb fuses, will the remaining bulbs in both the circuits remain light and give reason? So देखो बच्चा इसका आंसर, when one of the bulb in the series circuit get fused, तो सीधी सी बात है सर्किट ब्रेक हो जाएगा, तो कोई भी करंट आगे पास नहीं होगा, तो कोई भी बल्ब ग्लो नहीं करेगा। जबकि पैरेलल कनेक्शन में अगर एक बल्ब भी फ्यूज हो जाता है, तो बाकी दोनों बल्ब जो है वो आराम से सेम ब्राइटनेस के हिसाब से चल सके, क्योंकि सीरीज वहाँ पे जो सर्किट है वो ब्रेक डाउन नहीं हुआ है। ठीक है बच्चा, क्लियर। तो ये हो गया हमारा 46 नंबर, दैट मींस कि सेक्शन सी हम लोगों ने फिनिश कर लिया। लेट मी चेक, 46 तक ये ना, हाँ ठीक है, तो हम लोगों ने सेक्शन सी कंप्लीट कर लिया। सो आई होप कि आप क्लियर हो गए। ठीक है, मेन जो मुझे था कि बाकी सब तो फिर भी आप समझ लेते, कोई दिक्कत नहीं आती। ठीक है, एक तो मुझे ये सम का था कि अच्छे से आपको समझा के कर रहा हूँ मैं, और जो मैंने कोशिश की, और दूसरा ये बल्ब का। देखो इसमें एक्चुअली क्या था ना, वैसे तो आप ना सिंपल ही चीज बोल सकते हो, ठीक है, बट इसमें क्या था, इसमें लिखा था जस्टिफाई और आंसर, मतलब नॉर्मली अगर जस्टिफाई नहीं था, नॉर्मली लिख देते नो इन द पैरेलल कनेक्शन, ओके, द बल्ब ग्लो मोर ब्राइटर देन द सीरीज कनेक्शन, खत्म हो जाता। बट उन्होंने जस्टिफाई करो, जस्टिफाई करने का मतलब कि वी हैव टू गिव सम स्पेसिफिक रीजन। तो इसके लिए आपको डायग्राम भी बनाना पड़ेगा, आपको ये सब चीजें बतानी भी पड़ेंगी, ठीक है, जो मैंने ये बताया वो आपको बताना पड़ जाएगा, तब जाके आप जस्टिफाई कर सकते हो ना क्यों ग्लो, ठीक है, पैरेलल कनेक्शन में क्यों ज्यादा लाइट बल्ब ग्लो कर रहा है, क्योंकि पैरेलल कनेक्शन में सीरीज कनेक्शन से 9 गुना ज्यादा उसको लाइट, उसको करंट मिल रहा है इसकी वजह से। ठीक है, क्लियर। सो अच्छा बाटी, यहाँ पे अपन ने फिनिश कर लिया सेक्शन सी। आई होप यू एंजॉयड द सेशन, आपको समझ में आया, आई रियली ट्राइड माई बेस्ट कि मैं आपको हर एक चीज़ बहुत डिटेल में समझाऊँ। ठीक है, लर्न तब करोगे ना जब समझ में आएगा, ठीक है, बाकी तो अगर आपने बिना समझे लर्न करने की कोशिश की, तो आज आप लर्न किए, चलो एक घंटे में आपने टेस्ट लिख दिया, याद है क्या, फिर आप कल फिर भूल जाओगे, आपको आधा आंसर लर्न ही नहीं होगा। तो इसके लिए समझ के लर्न करना, ताकि बोर्ड तक तुम्हें याद रहे, ठीक है, रटाफिकेशन मत करना। और यही मैं, अगर मुझे समझानी है, मैं आपको डायरेक्टली आंसर दे सकती हूँ, भाई दीज आर आंसर्स, ठीक है, लर्न कर लो, मैं समझा रही हूँ, बिकॉज मुझे ऐसा है कि बच्चा जब समझेगा तो वो खुद के आंसर्स भी लिख सकता है, अगर क्वेश्चंस कुछ उठपटांग से आ भी गए बोर्ड एग्जाम के अंदर। तो चलो बच्चों, अभी मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, जहाँ पे हम सेक्शन डी की बात करेंगे। एंड वीडियो कैसा लगा जरूर बताइएगा, थम्स अप लाइक जरूर दीजिएगा, आपको वीडियो पसंद आया तो, एंड डू शेयर माई चैनल एंड द वीडियो विद योर फ्रेंड्स। बाय बाय, टेक केयर।